मैन इज एन आइलैंड. सो बाकी इट्स अ फैक्ट कि नो मैन, जिसने भी रिपोर्ट लिखी बड़ी पते की लिखी है. आगे आप देखेंगे, ये तो हम सिर्फ एसेस पढ़ रहे हैं ना, नेक्स्ट आप जितने भी नॉवेल्स पढ़ेंगे और नेक्स्ट आप जितने भी मतलब ड्रामास पढ़ेंगे, आप उसमें देखेंगे कि एक सोसाइटी के साथ इंसान को ताल्लुक रखना कितना जरूरी होता है. हम ये नहीं कह सकते कि सोसाइटी गलत है. वी हैव टू बी द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी. वी हैव टू, हमें इस सोसाइटी के अंदर रह के परफॉर्म करना पड़ेगा. देखिए बेटा, मेरा मेन इंटरेस्ट क्या है, अगर आपको फील हुआ हो, मेरा मेन इंटरेस्ट है नॉलेज. ठीक है, टू गेन द नॉलेज. उस नॉलेज को हासिल करने के लिए मैं बहुत सारी अपनी चीजें हैं, लाइक मैं टीवी नहीं देखती, गाने नहीं सुनती, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज मेरी नहीं है. लेकिन हाँ, लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल मैं नॉन सोशल. ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल नॉन सोशल हो जाएंगे, लोगों को वक्त नहीं देंगे, तो फाइनली यू विल बी आइसोलेटेड. ठीक है, दुनिया में जीने के लिए अल्लाह ने इंसान बनाया और उनके साथ एक ताल्लुक रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. और फ्रेंडशिप के अंदर वो ये कहता है कि जब इंसान आइसोलेटेड पर्सनैलिटी हो जाता है ना, तो वो अनफिट हो जाता है फॉर सोसाइटी, एंड इट्स अ फैक्ट. ठीक है, सो मेक योर फ्रेंड्स, लोगों से बात किया करें, अच्छी बात कर लिया करें. जरूरी नहीं है आप अपने आप को हर किसी के साथ शेयर करें, लेकिन अच्छी बात करें. ठीक है, एक सोसाइटी के अंदर रहने के लिए यही सोच के कर लें, चले किसी को मेरे से कोई फायदा ही हो जाए, अल्लाह करे किसी को मेरे से कोई फायदा हो जाए. तो इस तरह की जब आपकी सोच होती है, ऑटोमेटिकली आपको फिक्र होती है, मतलब आपकी अगर कोई केयर करता है कि देखो घर पहुंची है कि नहीं पहुंची, खाना खाया है कि नहीं खाया, आपको कितना अच्छा लगता है. व्हाई नॉट मैं भी इतनी केयरिंग हो जाऊं. तो इससे क्या होता है, एक सोसाइटी बिल्डअप होती है. तो नो मैन इज एन आईलैंड. और अभी आप मजीद, आप आगे जाके मैं इस चीज को, नो मैन इज आईलैंड को मजीद, आपको आगे बहुत सारे ऐसे ड्रामास आने, पोइट्री आएगी, नॉवल आएंगे, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि वाकई एक सोसाइटी के अंदर रहने के लिए इंसान को, ठीक है हर किसी का अपना मिजाज है, हर किसी की अपनी सोच होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे गलत हैं, या मैं बाकियों से मिलना छोड़ दूं, या किसी के साथ मेरा तजाद है तो मैं उससे बोलना ही छोड़ दूं. नहीं, फिर आपका इतना पढ़ा लिखे होने का क्या फायदा हुआ अगर आपने अपने आप को आइसोलेटेड नहीं करना. ये सारी चीजें वो यहाँ और फ्रेंडशिप के अंदर बताते हैं कि फ्रेंडशिप होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है. तो बेकन बिगिंस द, उसने यही मतलब, उसने ये बात की कि मे बी गॉड अनफिट फॉर सोसाइटी. अगेन ही मे बी सो सेल्फ सफिशिएंट दैट ही मे नॉट नीड सोसाइटी, या वो शायद अपने आप को इतना सेल्फ सफिशिएंट समझता है कि उसको शायद नीड ही नहीं है सोसाइटी की. इन द फर्स्ट केस ही रिजेंबल्स अ वाइल्ड बीस्ट, एंड इन द सेकंड ही रिजेंबल्स गॉड. हियर इट शुड बी पॉइंटेड आउट दैट बेकन इज नॉट रूलिंग आउट ऑफ द वैल्यू ऑफ सॉलिट्यूड. यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लें कि बेकन जो है वो खाली ये नहीं बात कर रहा कि खाली के वो वैल्यू ऑफ सॉलिट्यूड को रूल आउट कर रहा है. इनफैक्ट ही इज रिजर्विंग सॉलिट्यूड फॉर हायर काइंड ऑफ लाइफ. वो रिजर्व कर रहा है सॉलिट्यूड को फॉर हायर काइंड ऑफ लाइफ के लिए. देखिए बेटा, आपको सॉलिट्यूड चाहिए होता है कभी कभार, फॉर लर्निंग, फॉर रीडिंग, फॉर मेडिटेशन. ठीक है, मेडिटेशन के लिए, अल्लाह को याद करने के लिए आपको थोड़े से सॉलिट्यूड की जरूरत होती है, बल्कि बहुत ज्यादा होती है, किताबें पढ़ने के लिए. तो वो कहता है हायर काइंड ऑफ लाइफ के लिए तो आपको सॉलिट्यूड की जरूरत होती है. ठीक है, लेकिन आपको एक चीज ये भी बता दूं कि अकेले में, मतलब जब आप अकेले होते हैं, कहते हैं ना कि जब तुम अकेले हो तो उस वक्त जो है वो, अगर आपको अल्लाह याद नहीं आ रहा तो वो शैतान जो है ना, वो आपकी सोचों पे इतना गालिब हो जाता है कि बाज़ औक़ात इंसान सुसाइडल अटेम्प्ट्स की तरफ भी चले जाते हैं. जो लोग इतने रिजर्व होते हैं वो यहाँ तक भी चले जाते हैं. तो या तो आपका अकेलापन जो है, आपका सॉलिट्यूड, या तो हायर काइंड ऑफ लाइफ के लिए होना चाहिए. ठीक है, कि मैं अकेली बैठी हूँ और मैं मेडिटेशन कर रही हूँ और मैं बहुत एक इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर चली गई हूँ. जैसे वो परवीन शाकिर का शेर है ना, ए खुदा जब भी तेरा आसमां देखती हूँ उसमें बसा एक नया जहां देखती हूँ. तो दैट इज द हायर काइंड ऑफ लाइफ. भी अल्लाह, जब तेरा आसमान देखती हूँ उसके अंदर एक नया बसा, मैं मुझे एक बहुत बड़ा बसा हुआ जहां नजर आता है, ये आसमान, इसके ऊपर एक और आसमान, फिर आसमान, पता नहीं कितने जहान. तो ये यहाँ तक इंसान कब पहुंचता है, वो जो सूफियाना शायरी होती है, वो रिजर्विंग सॉलिट्यूड है फॉर हायर काइंड ऑफ लाइफ विच इज पॉसिबल फॉर अ फ्यू ग्रेट मैन, जो कि फ्यू ग्रेट मैन के लिए पॉसिबल है, लाइक एपिमेंडीज.
Pneuma, Empedocles, Apollonius, and some Christian saints. ठीक है, Christian saints की बात कर रहा हूँ, वही सूफी जो लोग थे या जो मेडिटेशन बहुत ज्यादा करते थे. देखें बेटा, ये जो इमेजिनरी वर्ल्ड होती है इंसान के अंदर, वाकई एक नया जहान है. और अगर वो थोड़े से सॉलिट्यूड अगर वो करता है, रिजर्व कर लेता है या उसको अटेन करता है टू हायर काइंड ऑफ लाइफ के लिए, तो दैट इज द ब्लेसिंग. अगर आप कभी अकेले में बैठे हो और आपको इस तरह की सोचें आती हैं, आप यकीन करें यू आर सो मच ब्लेस्ड कि अकेले बैठ के आप अपने दोस्त हैं. लेकिन अगर अकेले बैठ के आप अपने दुश्मन हैं, अपने आप को सड़ाए जा रहे हैं, कुड़ाए जा रहे हैं, जले जा रहे हैं, और फाइनली आपको ये लगता है यार मैं दुनिया में पैदा क्यों हो गई, फिर तो क्या ये हायर काइंड ऑफ लाइफ है? क्या ये हायर काइंड ऑफ सॉलिट्यूड है? व्हाट इज दिस? इट मींस यू आर गोइंग टुवर्ड्स डिप्रेशन. ठीक है, सो जस्ट टेक योरसेल्फ आउट ऑफ द स्टेट कि अगर आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, अगर आप सॉलिट्यूड की तरफ जा रहे हैं, सो मेक फ्रेंड्स, शट अप, जस्ट मेक फ्रेंड्स. या तो अपने अकेलेपन में अल्लाह को दोस्त बना लें, वहां पे भी तो आपकी फ्रेंडशिप ही चल रही है ना अल्लाह के साथ, या फिर आपका इतना हायर एटीट्यूड होना चाहिए कि यहाँ तक पहुंच जाए. लेकिन दोस्ती जरूरी है, चाहे वो जो है वो इंसान के साथ हो और चाहे वो अल्लाह के साथ हो. ये जो चाहना और चाहे जाना, ये इंसान की फितरत है. इंसान चाहता है कि उसकी कोई केयर करे, इंसान चाहता है कि उससे कोई बात करे. और अभी ये मलीहा ने बड़ी प्यारी हदीस शेयर किया है कि तुम में से कोई उस वक्त जन्नत में नहीं जा सकता जब तक तुम में आपस में मोहब्बत ना, और मोहब्बत तब तक नहीं आ सकती जब तुम आपस में एक दूसरे को सलाम नहीं करते. कमरे से निकलें, अपने बच्चों को आदर डालें, अस्सलाम वालेकुम देने की, सलाम में पहल करने की आदत, खुद भी सुबह निकलें. हमारे घर में सबकी आदत है, मेरी, मेरे हस्बैंड की, बच्चों की, हम सुबह उठते ही एक दूसरे को सलाम करें. तो ये चीजें बड़ी जरूरी हैं. आज जरा ये करके तो देखें, अपनी मेड को सलाम करके देखें, सामने आने वाले को सलाम करके देखें, देखिए मोहब्बतें फैलती हैं कि नहीं. सो फ्रेंडशिप इज वेरी नेसेसरी. नो मैन इज एन आइलैंड. ठीक है, हियर टू बेकन इज फॉलोइंग अरिस्टोटेलियन व्यू ऑन सॉलिट्यूड एज एक्सप्रेस्ड इन एथिक्स. ठीक है, और यहाँ पे बेकन अरिस्टोटेलियन व्यू ऑन सॉलिट्यूड शो करता है, जो कि एक्सप्रेस होता है एथिक्स में, वेयर Aristotle prefers a contemplative life of an active to an active life. जहाँ पे Aristotle prefer करता है एक contemplative life को एक active life के उसमें, यानी कि वो कहता है कि एक contemplative life शायद ज़्यादा ज़रूरी active life के बदले में, active life के मुकाबले में, sorry, it is highest kind of life. ये जो solitude है ना, जो saints वाला solitude, a higher kind of life वाला. तो वो कहता है, इट इज अ हायर काइंड ऑफ लाइफ, इट कैन बी एंजॉयड अनइंटरप्टेडली फॉर ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ टाइम. ठीक है, और ये जो है हाईएस्ट काइंड ऑफ लाइफ है, जो कि एंजॉय की जा सकती है अनइंटरप्टेडली फॉर ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ टाइम. बेकन्स लॉजिक इज दैट दोज़ हु लिव इन सोसाइटी शुड एंजॉय द ब्लिस ऑफ फ्रेंडशिप फॉर मोर देन वन. जो लोग एक सोसाइटी में रहते हैं उनको ब्लेस ऑफ फ्रेंडशिप एंजॉय करना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रेंडशिप इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग गुड मेंटल हेल्थ बाय कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग द पैशंस ऑफ द माइंड. अभी देखें, आप एक क्लास में बैठे हैं, ये अगर आप अकेले इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे होते हैं ना, बेकन एसेस पढ़ रहे होते हैं, अब तक बोर हो चुके होते हैं, क्योंकि आप एज अ कलीग पढ़ रहे हैं. देखें, आप सब फ्रेंड्स हैं, आप कलीग्स हैं, मजा आता है इकट्ठे बैठ के पढ़ने में. ठीक है, तो दैट इज द थिंग कि ये चीज होती है, फ्रेंडशिप नेसेसरी है फॉर मेंटेनिंग गुड मेंटल हेल्थ बाय कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग पैशंस ऑफ द माइंड. इन अदर वर्ड्स, बेकन हियर स्पीक्स ऑफ द एपियोटिक यूज ऑफ फ्रेंडशिप, दो विच वन कैन लाइटन द हार्ट बाय रिवीलिंग द पेंट अप फीलिंग. जो लाइटन करती है हार्ट को बाय रिवीलिंग पेंट अप फीलिंग्स और इमोशंस को, सॉरोज, जॉयज. पेंट अप फीलिंग्स और इमोशंस क्या होते हैं? Sorrow, joy, fears, hopes, suspicions, advice, and the like. Then, in order to justify the value of friendship, Bacon points out the practice of friendship on highest social level. He informs us that kings and princes, in order to make friends, would raise some person who would be fit for friendship. Then Bacon tries to glorify friendship by translating the Roman term for friendship, participes.
क्यूरम, क्यूररम विच मीन्स शेयर्स ऑफ देयर केयर्स, ठीक है, शेयर्स ऑफ देयर केयर, इसी केयर की बात कर रही थी अभी मैं, शेयर्स ऑफ देयर केयर. He gives instances of raising of men as friends from the Roman history. Sylla and Pompey, the great Julius Caesar and Antonius, Augustine, Agrippa, Tiberius Caesar and Sejanus, Septimius, Severus and Platianus. Bacon also refers to what Comenius wrote of Duke Charles, the Hardy's deterioration of his mental faculty just because of his reserve and loneliness, and extends his judgment to the case of Comenius second master Louis X. ab yahan pe jo hai wo Bacon refer karta hai to what Comenius wrote of Duke Charles the Hardy's deterioration, ki Duke Charles jo ki Hardy ne likha tha, Hardy's deterioration ki uski mental faculty. Hardy ko kaha jata most pessimistic, वो उसको पेसिमिस्टिक नॉवलिस्ट कहा जाता था, वो पेसिमिस्टिक राइटर था, ठीक है. तो वो उसने उसकी रिजर्व और लॉनलीनेस और एक्सटेंडेड जजमेंट टू द केस ऑफ कॉमिनियस सेकंड मास्टर लुईस 11. द पॉइंट विच बेकन स्ट्रॉन्गली वांट्स टू एसर्ट इज दैट फ्रेंडशिप फंक्शंस फॉर अ मैन इन अ डबल येट पैराडॉक्सली कॉन्ट्रेरी मैनर. वो ये भी पॉइंट करता है, वो ये एजर्ट करता है कि फ्रेंडशिप जो है एक इंसान के लिए फंक्शन करती है इन अ डबल पैराडॉक्सिकली कॉन्ट्रेरी मैनर. इट रीडबल्स द जॉयस एंड कथेट ग्रीफ्स इन हाफ. ये जो है डबल कर देती है जॉयस को और कट कर देती है ग्रीफ्स इन हाफ को. द सेकेंड फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप अकॉर्डिंग टू बेकन इज बेनिफिशियल फॉर द क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग. इफ अ मैन हैज गॉट फेथफुल फ्रेंड्स ही कैन बी कंसल्टेड टू clarify the confusions of mind. अगर एक man जो है उसको एक faithful friend मिल जाए तो उसको consult करना चाहिए to clarify the confusions of mind. He calls the counsel of a friend, citing Heraclitus, Dryer and the Pyrrher. Then that a man gives himself out of self love, which clouds his judgment. Bacon then counsels of his sort into two kinds. The one concerning manners and the other concerning business. वो फिर दो kinds के भी फिर counsel of the two kinds वो करता है कि एक जो friend होता है वो concern करता है manners को और दूसरा concern करता है business को. A friend's constructive criticism of other friend's behavior helps him more than a book of morality. एक friend की जो constructive criticism होती है दूसरे friend के behavior में वो उसको ज़्यादा help करती है than the book of morality. देखिए friends या मियाँ बीवी या जिंदगी के कोई भी रिलेशंस है, अगर आप एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होनी चाहिए, ये नहीं कि हर वक्त आप अजीबोगरीब अलकाबात से पुकार रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं तो वो बुक ऑफ मोरालिटी से कहीं ज्यादा अच्छी है. अगर आप उसको बताते हैं कि नहीं तुम ऐसे नहीं ऐसे कर लो. इन अ मैटर ऑफ कंडक्टिव प्रैक्टिकल बिजनेस बेकन थिंक्स अ ट्रू फ्रेंड एडवाइस कैन ऑल्सो हेल्प इन अंडरटेकिंग अ वेंचर और अवॉइडिंग अ डेंजर. Finally, Bacon speaks of the last root of friendship, which is manifold in the sense that there are so many things in life which can be fulfilled only with the help of a friend. In fact, at a rare moment, Bacon gets emotional and quotes classical maximum that a friend is another self. His point is that a man may have many a desire which may not be realized in his lifetime, but if he has got a true friend, his unfulfilled desires will be taken care of his friend. Not only this, a friend unlike the nearer and dearer one and enemies can talk to him on equal terms whenever situation demands. Keeping all these things, Bacon concludes that if a man does not have a friend, he may well leave this world. That is to say, he is not fit for human society to live in. Kal hum inshallah padhenge Essay of Truth. Yahan tak kisi ka koi question?